बॉर्डर और एलओसी कारगिल जैसी फिल्में बनाने वाले जेपी दत्ता अब एक और देशभक्ति आधारित फिल्म लेकर आ रहे हैं। पल्टन नाम की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 7 सितंबर 2018 को रिलीज होगी। जेपी दत्ता की ये फिल्म चीन के साथ हुई 1967 की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें भारतीय सेना ने 1962 के युद्ध में मिली हार का बदला लिया था। ट्रेलर में दिखाया गया है कि चीनी सेना किस तरह सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसती, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। हालांकि ट्रेलर में युद्ध के हालात और सेट डिजाइन कमजोर दिखाई देते हैं। ट्रेलर में बताया गया है कि भारत ने 62 के युद्ध में अपने 1383 जवान खो दिए थे, 1047 जवान घायल और 1696 लापता हो गए थे। हीरोइनों की बात करें तो इसमें ईशा गुप्ता, सोनल चौहान और दीपिका कक्कर नजर आएंगी। मूवी में काम कर रहे लीड एक्टर्स का फर्स्ट लुक सामने आया है। तस्वीरों में सभी आर्मी गेटअप में दिख रहे हैं। बता दें कि पल्टन से जेपी दत्ता 12 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। वे वॉर फिल्म बनाने के लिए मशहूर हैं। बॉर्डर के बाद जेपी दत्ता को बड़ी हिट का इंतजार है। दर्शकों, आज की इस खबर में इतना ही। इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम हर नई पुरानी और सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो आने वाली हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल स्पीडी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।